हेलो बच्चों, दरिंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां पे आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सारे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री पाते हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दरिंद इंस्टीट्यूट वेयर यू विल गेट ऑल द वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 9 टू 12th एब्सोल्युटली फ्री। बच्चों, टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्टेप ऑफ टेंसेस इन क्लास 10th। तो क्लास 10th हम पढ़ रहे थे, आज हमारा टर्न है क्लास 10th का। हम क्लास 10th में ग्रामर शुरू कर चुके हैं और ग्रामर में हम टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर होगा आई थिंक, और इसके पहले हमने बहुत सारी बातें टेंस के बारे में कर ली। टेंस होता क्या है, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, फिर हमने सेंटेंसेस के टाइप्स को भी देखा था, स्ट्रक्चर को भी देखा था, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाता है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आज बच्चों हम सीखने वाले हैं एक एक करके सारे टेंसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम शुरू करेंगे टेंसेस में प्रेजेंट एंड डेफिनेट। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो होता है ये मेनली इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट दैट मीन्स फिक्स जो चीज़ें ना हो, जो डेफिनेट ना हो, इनको बोलेंगे इंडेफिनेट। क्या हो सकती हैं, हमारी हैबिट्स हो सकती हैं, इंडेफिनेट फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो क्या होती हैं, इंडेफिनेट होती हैं। इस तरह के टेंसेस को हम इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं। ये प्रेजेंट में भी आते हैं, ये पास्ट में भी आते हैं, और ये फ्यूचर में भी आते हैं, ठीक है। आज हम सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस जो होता है, इसकी पहचान होती है हिंदी वाले सेंटेंसेस अगर आप देखने को मिलेंगे तो आपको दिखेंगे ता हैं, ती हैं, ते हैं। डिटेल वीडियो के लिए आप पहले के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले के वीडियोस में जाइए, ठीक है ना, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जा करके, तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए आगे बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या है, पहचान है। अब इसका फॉर्मेट देखें हम तो तीन अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के तीन अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आराम समझिएगा। सबसे पहले जो सेंटेंस आएंगे वो अफर्मेटिव टाइप के आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन हम देते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन देने का जो तरीका होगा या लेने का जो तरीका होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला वहाँ खाना खाता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन हम एस और ई एस प्लस वी वन दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फॉर्मेट। अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं उनका फॉर्मेट। एग्जाम्पल जैसे हिंदी का ले लें हम, बहुत आराम से समझिए और किसी बात की जल्दी नहीं है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये तो डेफिनेट है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा सहज नहीं होता सभी बच्चों के लिए, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता जितना कि ऑफलाइन होता है। फिर भी आप दूर दराज कहीं बैठे होंगे या आप एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे ऑफलाइन क्लासेस के, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आप थोड़ा सा अगर रुचि दिखाने लग जाएंगे तो चीज़ें सीख तो अच्छे से लेंगे। फिर भी अगर नहीं प्रॉब्लम आती है तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना, वो भी हमारी चलती हैं। नहीं यहाँ ज्वाइन करना, किसी और कोचिंग में ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे बेहतर पढ़ाई हो रही हो, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संसाधनों की किस तरह कमी है तो ऑनलाइन में थोड़ा सा फोकस करिए, चीज़ें यहाँ भी हम पूरी क्लियर ही करेंगे। डाउट होता है कॉमेंट में करिए, हम आपके पास कॉन्टैक्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, और इनकी जो स्टार्टिंग होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की सब्जेक्ट से होती है,
देन यस और ईएस का यूज़ करते हैं हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होती है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान देंगे। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। चलिए जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में ता है ती है ते हैं आता है। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। बच्चों राम खाना खाता है, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, राम। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, जरूरी है जानना बच्चों, यस और ईएस हमेशा मेन वर्ब में लगती है। एस और ईएस हमेशा किस में लगती है, मेन वर्ब में लगती है। मेन वर्ब का मतलब जैसे लाफ हो गया, वीप हो गया, क्राई हो गया, जंप हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ब्स होती हैं जो आप करते हो, की जाती हैं, ये वर्ब्स होती हैं, इन्हीं वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ देते हैं एस और ईएस को, ठीक है। तब जोड़ते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ध्यान समझिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों तो मेन वर्ब में एस और ईएस आपको जोड़ देना है, ऐड करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। सेम टू सेम अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस और ईएस हटा देना है, यानी कि कुछ नहीं लगाना है उसमें। थोड़ा सा आराम से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी तभी जब आप अच्छे से सुनेंगे, बार बार वीडियो रिवाइंड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों कह रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस और ईएस ही यूज होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक हो, सब्जेक्ट एक है अगर तो उसके साथ मेन वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया है, यानी कि एक से अधिक है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बच्चों हम मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे, कहने का मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे लाफ लिखा है लाफ ही लिखा रहने देंगे, काइंड लिखा है काइंड लिखा रहने देंगे, तब कब, जब प्लूरल सब्जेक्ट है। जस्ट अपोजिट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर आप मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज़ करोगे, परेशान मत हो, मैं दूसरे एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे बच्चों, हमने एक सब्जेक्ट लिया, ध्यान समझना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यस और यस लगाएंगे, याद रखना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यस यस नहीं लगाएंगे। इतनी चीज़ों को क्लियर रखिएगा। जैसे एग्जांपल हम एक दो लेते हैं, मैंने बोला देखो एक इसके पहले एक चीज़ और समझ लो, ही शी और इट बच्चों ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में। क्या क्या, तीन ही हैं, ही शी और इट। शायद आपको थोड़ा दुई कम दिख रहा होगा, मैं बड़ा लिखता हूँ, ही शी और इट ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बोलो तो, सिंगुलर माने जाते हैं। फिर से बोलो, सिंगुलर माने जाते हैं। एक बार फिर से बोलो, सिंगुलर माने जाते हैं ही शी इट। और क्या हो, क्या माने जाते हैं, हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट बच्चों आई वी यू और दे ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। अब जैसे देखो तो सिंपल से मतलब है, अगर ही शी इट दिया है सेंटेंस में या कोई एक ऐसा वर्ड दिया है जो सिंगुलर है, तो याद रखना मेन वर्ब में यस और यस लगा दोगे, मेन वर्ब में यस या यस लगा दोगे, जस्ट अपोजिट आ जाओ। अगर सेंटेंस में आई वी यू और दे दिया है, आई वी यू और दे दिया है, तो सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा और वहाँ पर क्या करेंगे आप, मेन वर्ब में यस नहीं लगाएंगे, यहाँ की कुछ नहीं करेंगे, कहने का मतलब है। जैसे अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, जैसे मैंने बोला राम, तो राम क्या है, सिंगुलर, राम सिंगुलर, एक ही है राम, सिंगुलर है। तो जब राम सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एसेस लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए, लगेगा। तो मेन वर्ब से मान लिया ईट ले लिया तो ईट में लग जाएगा और क्या हो गया, ईट्स हो गया।
सिंपल सा क्या हो गया, इट्स हो गया, हो गया ना इट्स। जैसे मैंने बोला आई, आई क्या होता है बताओ इसमें, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे, यानी कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे, आई के साथ ईट लिख दिया, इट्स नहीं लिखेंगे। राम के साथ इट्स लिखेंगे क्योंकि राम सिंगुलर था, आई के साथ ईट लिखेंगे क्योंकि आई प्लूरल था। ठीक है, और थोड़ा सा कर लेते हैं एग्जाम्पल जिससे और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने क्या, मैंने बोला यू, अब मुझे बताओ यू के साथ गो लगेगा या गोज लगेगा, बताइए। तो पहले देख लीजिए यू, यू क्या है, मोटा है, यानी कि प्लूरल है। यू क्या है, प्लूरल है। जब यू प्लूरल है बच्चों तो प्लूरल वाले के साथ ऐसे यस नहीं लगाते हैं, यानी कि ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, यू गो होगा। क्या होगा, यू गो होगा, क्योंकि यू प्लूरल है। तो जब यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कभी भी हम ऐसे इसका यूज नहीं करते हैं बच्चों। चलो आगे देखें, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा था राम खाना खाता है, तो यहाँ पर राम क्या है, सिंगुलर है। राम क्या है, सिंगुलर है। राम जब सिंगुलर है तो ऐसे इस लगेगा, किस में लगेगा बच्चों, राम यदि सिंगुलर है तो ऐसे इस लगेगा मेन वर्ब में। मेन वर्ब क्या है, खाता है, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ईट हो गया। अब राम क्या था, सिंगुलर था, तो ईट में एस लग जाएगा, क्या हो गया, राम ईट्स। बचा क्या, खाना, खाने क्या बोलेंगे, फूड, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, आ रहा है आपको, अच्छे से कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए, तो लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है, जैसे एग्जांपल ले लें हम, तुम उसे बुलाते हो तो क्या हो जाएगा, यू, अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यू प्लूरल में आता है। तो जब यू प्लूरल आता है तो लास्ट में जो आपका मेन वर्ब है इसमें एस एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू कॉल, उसे को बोलते हैं हिम, यू कॉल हिम, ये देखिए बन गया। ठीक है, यू कॉल हिम, बन गया ना बच्चों। चलिए, तो अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो केवल इंग्लिश के होंगे, हिंदी ना आए उसमें। ठीक है, तो इनको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला दे, अब दे सिंगुलर है प्लूरल है बच्चों, प्लूरल है, सिंपल सी बात है, यस यस नहीं लगेगा। तो दे दे गो टू द पार्क, ये देखिए दे गो टू द पार्क, वो पार्क जाते हैं। यहाँ पे देखिए यस नहीं लगाया गया है, सिंपल सा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल था। दूसरा सेंटेंस ले लें, शी, अब बताइए डांस होगा कि डांसेस होगा, सी डांसेस होगा, क्योंकि सी क्या है बेटा, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मेनो में एसेस लगा देते हैं, सी डांसेस वेल, वो बहुत अच्छा नाचती है। ठीक है, तीसरा ले अगर हम लोग, हमने बोला ही, अब ही सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, एसेस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, तो क्या होगा, ही रन्स फास्ट, ये देखिए। तो आपको होप समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इनडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम और आगे बढ़े अगर, तो हमको मिलता है रास्ते में चलते चलते प्रेजेंट ही इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, तो हम थोड़ा सा चेंजेस अप करेंगे और आ जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। कॉपी अच्छी सी बनाते रहिए, नेगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा नहीं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू और डज लिखते हैं, फिर लिखेंगे नॉट, ठीक है, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी प्रकार, और फिर ऑब्जेक्ट, ये हो गया, और कुछ नहीं होने वाला है, सब उसी का उसी तरह है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए समझावन बोर्ड में, ये हमारा समझावन बोर्ड है जो थोड़ा सा किनारा रहता है, छोटा सा रहता है, लेकिन पहले इसमें समझा देंगे तब यहाँ पे हम बैटल फील्ड में अच्छा कराएंगे आपको।
ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब बताना ना पड़े क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो याद रखिएगा हमेशा आप लगाएंगे डज नॉट, क्या लगाएंगे डज नॉट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमेशा क्या लगाएंगे बच्चों डू नॉट, क्या लगाएंगे डू नॉट। मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर हो रही कि नहीं आप सभी को? अब आगे देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसने लगेगा, बल्कि यहाँ पे डू और डज का यूज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया, जैसे बोला गया ही, अब ही सिंगुलर है प्लूरल है आप बताइए, बताइए ही सिंगुलर है। जब ही सिंगुलर है बच्चों तो यहां पर हम कभी भी डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे डज नॉट का। तो ही डज नॉट, ये देखिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही डज नॉट वॉक, फर्स्ट फॉर्म ही डज नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड, ये देखिए बन गया ही डज नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक ना, ही डज नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड। दूसरा है यू, यू के साथ क्या लगेगा क्योंकि प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट लाइक मैंगो। फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको मैंगो पसंद ना हो, मुझे पता है तुम बहुत बड़े चटोरे हो, ठीक है ना, लेकिन जितना मैंगो के लिए चटोरे हो उतना ही पढ़ाई के लिए भी चटोरे हो जाओ। देखो अब एग्जांपल्स लेते हैं, मैंने बोला वह पानी नहीं पीता है, फिर क्या पीता भैया, अमृत पीता है, अमृत, पानी नहीं पीता है, अमृत पीता है, ठीक है ना। तो वह पानी नहीं पीता है, ध्यान समझना, वह क्या है ही है, ठीक है। अब ही मोटा है पतला, यानी कि सिंगुलर है कि प्लूरल है भैया, तो पतला है यानी कि सिंगुलर है, सिंगल पसली का है। जब ये सिंगल पसली का है तो इसको मोटी वाली चीजें दो जिससे थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, तो मोटी वाले में क्या आता है डज नॉट। लो एक नया तरीका निकल आया, तो पतले के साथ मोटा लगाओगे और मोटे के साथ पतला लगाओगे, ठीक है। देखो डज मोटा है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है पतला है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है मोटा होता है, तो इधर देखो डू नॉट क्या है पतला है, समझ में आई बात की नहीं आ रही है। तो वह क्या है भैया पतला है यानी कि सिंगुलर है, तो इसके साथ डज नॉट लगाओगे, तो ही डज नॉट, ये देखिए ही डज नॉट पीते क्या बोलते हैं ड्रिंक बोलते हैं बच्चों ना, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगेगा वाटर, ये देखिए बन गया आपका कितना सुंदर सा बन गया। दूसरा अगर हम बोले तुम बाजार नहीं जाते हो, ये देखिए मैंने बोल दिया तुम बाजार नहीं जाते हो, तो तुमको क्या बोलते हैं बच्चों यू बोलते हैं, यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू प्लूरल है, यू जो प्लूरल है तो उसके साथ लगेगा क्या डू नॉट लगेगा ना, तो यू डू नॉट, यू डू नॉट जाते हो क्या बोलते हैं गो, यू डू नॉट गो टू द, यू नॉट गो टू द मार्केट, ये बन गया देख लीजिए कितने अच्छे से बन गया यू डू नॉट गो टू द मार्केट। आपको शायद बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों बात, जल्दी बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंटरोगेटिव पढ़ेंगे सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, सारी चीजें सेम वैसे के वैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। अंतर बस कहाँ आएगा, अंतर आएगा कि आप जब सेंटेंस बनाते थे तो ये जो वर्ब बाद में लिखते थे ये बाद में न लिख के कहाँ कर देना है सबसे आगे कर देना है, ये देखिए सबसे आगे कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, बस डू और डज को ही आगे करेंगे, नॉट को नहीं, नॉट वही पढ़ा रहेगा,
डू और डोज, ये आगे ही लिखा जाने लग जाता है, ठीक है, अंतर इतना आता है। चलिए देखते हैं, जैसे और सारी चीज़ें सेम है। मैंने बोला जैसे ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, डू या डज लगेगा, सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगेगा, लेकिन डज कहाँ लगेगा, इसके पहले ही लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव की ये खासियत होती है, इंट्रोगेटिव की ये खासियत होती है, तो ही स्मॉल रहेगा, तो डज ही, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉक ऑन द ग्राउंड, ये देखिए बन गया, ठीक है। अब आगे चले अगर हम लोग, तो आगे देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है ना, तो यहां पर डू बाद में नहीं, सबसे पहले आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, डू यू नॉट, जैसे यू था, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ डू लगता है, तो डू यू के बाद नहीं, यू के पहले चला जाएगा। डू यू नॉट नो हिम, ये देखिए बन गया, बन रहा कि नहीं अच्छे से आपको, ठीक है। हिंदी वाले सेंटेंसेस में जब इसको बनाते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, क्या आता है, क्या, क्या आता है, क्या ना, क्या आता है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, चलिए बनाइए तब तक इसका, क्या तुम खाना खाते हो, मैं इंक डाल रहा था, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर कुछ मोबाइल में देख रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इधर, मैंने इंग्लिश हिंदी में बोला, क्या तुम खाना खावत हो, अरे सॉरी खाते हो, ये देखिए क्या पहले आ गया ना, सेम सेम जैसे पहले बनाते थे अभी तक, तुम खाना खाते हो, उसे बगैर बनाइए, बस क्या करना है, क्योंकि क्या पहले आ गया है तो डूडस को सबको पहले रख देंगे, डूडस सबसे पहले रख देंगे और कुछ नहीं करना है। यू, यू क्या भैया, यू एक प्लूरल है, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू या डस, डू लगेगा, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, ये देखिए डू यू। अब इसके बाद खाने क्या बोलते हैं, ईट, डू यू ईट, खाना फूड, क्वेश्चन मार्क, देख लिया। ये इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना होता है। नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में, नेगेटिव वाले सेंटेंस में डू डस बाद में लगता है, जबकि इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में यही डू डस सेंटेंस के सबसे पहले आ जाता है, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, फिर भी नहीं आएंगे तो कॉमेंट करिएगा। दूसरी चीज, आपको इतना बता दिया गया, आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कवर कर लिया है, अब करना क्या है, आपको ये होमवर्क है, आप कॉपी पेन उठाइए, अफर्मेटिव के 50 सेंटेंसेस, नेगेटिव के 50 सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के 50 सेंटेंसेस, इतने सेंटेंस 150 सेंटेंसेस करिए, तब तक जब तक दूसरी वीडियो ना आ जाए, ठीक ना। तो वेट करेंगे अगली वीडियो का, जो कि बिल्कुल अपने टाइम पर आएगी, जैसे कि चल रही हैं क्लासेस आपकी, ठीक ना। शेड्यूल या ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ और जानकारी लेनी है तो आप जाइए www.thereisinstitute.in, वहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, फ़ोन नंबर से लेके सारी चीज़ें, वहाँ आप जाइए विज़िट करिए, या फिर सिंपल सी बात है, शांति से क्लासेस लेते रहिए, टाइम आने पर हम मिलेंगे तो है ही आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले टर्न में, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, क्या शुरू करेंगे हम लोग, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पूरा टेंस अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।